नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं श्याम सुंदर। इस वक्त जो मीटिंग अंदर चल रही थी गवर्नर हाउस में महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर, ये अभी सारे मेम्बरान जितने हैं वो बाहर आए हैं और महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी है वो अनाउंस जो है वो लगता है कि हो गई जी। फिलहाल हैप्पी सिंह जी से बात करेंगे। सुनिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार ये करना नरेंद्र मोदी का कि आज उनके दरवाजा खड़काई है, छुट्टी ले है। जिस छुट्टी डिमांड करा तुम एक बड़ा बड़ा नारा दिता डुगर डुगर एकता और ओदे बाद तुम आखे कि आन बान शान ते पहचान दी लड़ाई इहदे पर आ गए। यह जिहड़ी जित हुई है जिहड़ी यह जित है यह हर एक डोगरे की है। यह अज डोगरे की आन बान ते शान ते प्रशवाल जिहड़ा इहदा अज डोगरे की आन बान शान असीं अपनी बाहें पर चुकी है। यह गौरमेंट कोला छुट्टी लई है सारे डोगरे की दिल की गहराई दे कन्नै मेरी तरफ दा जय माता दी। हून जो राजपूत सभा सारे कोला पहले मां वाह वाली दे जाइए मत्था टेकिए आशीर्वाद लैग, उदे बाद कल साड़ी वैष्णो माता दी तैयारी शुरू हो। जुबा राजपूत के सदस्य हैप्पी सिंह जी का कहना है कि जो छुट्टी अनाउंस की गई है उसके बाद जो है अभी ये जुबा राजपूत जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में भी माथा टेकने जाएंगे। उससे पहले जो है वो बावे वाली माता के द्वार पे जाएंगे और दर्शन करेंगे कि आप देख रहे हैं कि मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, दावेंद्र सिंह राणा जी और साथ में सच शर्मा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। एक तारीखी दिन है, आज का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराजा साहब के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम की आकांक्षाएं भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हर शख्स जम्मू कश्मीर का ये चाहता था कि ये छुट्टी हो ताकि महाराजा साहब को श्रद्धांजलि के तौर पे ये छुट्टी हो और उनकी याद में ये छुट्टी हो। हम मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के, जिन्होंने भाजपा की ये दरीना मांग जो भाजपा ने हमेशा उठाई और पिछले कई सालों से उठा रहे हैं और रेजोल्यूशन भी असेंबली में लाया कि छुट्टी होनी चाहिए, और ये हम शुक्रगुजार हैं माननीय मनोज सिन्हा साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और माननीय अमित शाह साहब का, जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब का और केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने ये छुट्टी दे के जम्मू कश्मीर के अवाम की आकांक्षाओं और भावनाओं की कदर करते हुए महाराजा साहब की ये छुट्टी दे के। आज त्यौहार का दिन है, आप देखिए त्यौहार है, मायूसी के बादल छट गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। उस जम्मू कश्मीर की तस्वीर में एक सुनहरा रंग आज भी लिखा गया है। जम्मू कश्मीर की तारीख में जो है एक नया रंग जो है वो लिखा गया है। कुछ और भी सदस्य युवा राजपूत के जो सदस्य हैं गिली सिंह जी, इनसे भी बात करते हैं। गिली जी कितने प्रसन्न हैं इस छुट्टी को लेकर? बयान ही नहीं कर सकते कितने प्रसन्न। बहुत बड़ी गल है जम्मू कश्मीर से, अज का दिहाड़ा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री सुनहरे अक्षर लिखा गया। अस गवर्नर साहब का, राणा साहब का, MP साहब का, सत शर्मा का, निर्मल सिंह का, सारे बड़ा शुक्रगुजार, खास कर जम्मू वासियों का और खास करिए तुहाड़ा मीडिया कर्मी का, जिहड़ी ये साड़ी डिमांड की लोगों ने जन जन तक पहुँचाया। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिहड़ा ये दिहाड़ा 23 सितंबर का पूरा जम्मू कश्मीर बड़ी धूमधाम कन्नै मना कि अज डोगरे की जित हुई है, ये डोगरे की जित है, तुहाड़ी जित, ये डोगरों की जीत है, हम लोगों की जीत है। क्योंकि एक लंबे अरसे से एक मांग की जा रही थी कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर जो है वो आज एक मीटिंग जो है वो कॉल की गई, जिसमें सभी आला अधिकारी उसके साथ साथ बाकी लोग जो है BJP की अगर बात करें या उसके साथ साथ बाकी लोगों की बात करें, सभी ने इस मीटिंग में जो है वो हिस्सा लिया। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद तुरंत जो है बाहर आके जुबा राजपूत के जो सदस्य थे और उसके साथ बाकी लोग जो है वो बाहर आए और अनाउंस जो है वो उन्होंने किया है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो जुगल किशोर जी हैं, इनसे बात करते हैं। जुगल जी कितनी प्रसन्नता हुई है इस ऐसे देखिए आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज के दिन जो मांग बरसों से हो रही थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर जो है वो छुट्टी हो, उसके लिए कई एजिटेशन और धरने और प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये बात मानी नहीं थी। आज हम केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी का और विशेष तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज ये घोषणा की है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर वासियों के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है।
हमारे लिए त्यौहार मनाइए, त्यौहार मनाइए। त्यौहार मनाने के लिए और 23 तारीख के लिए किस तरह की तैयारी है? भैया मैं तो हिमाचल जा रहा हूँ, 3 बजे आया हूँ, कल सुबह 6 बजे वापस हिमाचल जा रहा हूँ। लेकिन आप देख ही रहे हैं जिस किस्म का हर्षोल्लास है और लोगों में जोश है, 23 तारीख को यहाँ दिवाली होगी। आप भी आएंगे सर? नहीं मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे वहाँ कोई अपने कार्यक्रम है, लेकिन ये एक दिवाली का दिन होगा, 23 को दिवाली जम्मू में होगी। जो एक बड़ा इशू था वो सॉल्व हो गया जम्मू को लेकर, जम्मू कश्मीर के अवाम की जो एक बड़ी दरीना मांग थी कि छुट्टी हो, वो छुट्टी आज डिक्लेयर हुई है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, और खसूसी तौर पे मनोज सिन्हा साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे वकील बने, जिन्होंने हमारी बात दिल्ली के समक्ष रखी, और केंद्रीय नेतृत्व का जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आज छुट्टी का ऐलान किया है। एक नया तारीखी दिन है, आज का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज 5 अगस्त 2019 के बाद जिस किस्म से जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर उभर के आ रही है, उसमें एक नया सुनहरी पन्ना आज लिखा गया है। सुनहरी ना जो है वो भैया जम्मू कश्मीर की छुट्टी, उन्होंने कहा उन्हीं है कि पता क्या है, फिर तो दंडे चार अंगूठे कटो। एक छुट्टी का जो अनाउंस है वो फिलहाल कर दिया गया है, सेलिब्रेशन जो है 23 सितंबर का जो है वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पूरे राज्य में जो है वो इस वक्त खुशी का माहौल जो है वो बन चुका है। लोग जो है वो यहाँ से जितनी रायपुर सभा की अगर बात करें, बाकी युवा राजपूत सभा की बात करें, तो सभी लोग यहीं से सेलिब्रेशन जो है वो करते हुए यहाँ से गए हैं और सीधे महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास और उसके साथ माँ बावे वाली के पहले सबसे पहले दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो जम्मू शहर के अलावा पूरे देश में जो है वो प्रदेश में जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो आज से ही शुरू हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं जश्न, ये देख रहे हैं कि जश्न का माहौल है, गाने जो है वो गाना बजाना जो है वो लगा हुआ है, जाम जो आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का डांस नगाड़े। डांस जो है वो इसी वक्त पंचतीर्थी चौक की अगर बात करें तो वहां पे लोग डांस करके जो है वो टेकमेंट की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।